चल दीदी, तुझे तेरे कमरे तक छोड़ देती हूँ, आजा। अब नहीं बंदिता, मैं अपने पुराने कमरे में नहीं, मैं तो तेरे ससुर जी के कमरे में रहूंगी ना। तू वहाँ रहेगी दीदी? ठीक है, चल दीदी। बिहारी, अब बिहारी बाबू, वो मेरे पुराने कमरे में जो सामान और कपड़े हैं ना, वो आप रख लीजिए। वो क्या है ना, अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है, आपके काम आ जाएंगे। हाँ चले चल। बहुत विनाश कर लिया तूने इस घर का, चल निकल, निकल यहाँ से बाहर। हम चाहते हैं कि हमारे घर से अब शकुनी दूर हो जाए। तू चिंता मत कर दीदी, नारियल की तरह है काका ससुर जी, ऊपर से सख्त है मगर अंदर से बिल्कुल नरम। मुझे भी बहुत गुस्सा करते थे वो पहले, पर धीरे धीरे प्यार से समझाने लगे मुझे। और तू तो बहुत अच्छी है, देखना जल्दी ही तुझे इस परिवार का हिस्सा मानेंगे काका ससुर जी, वरना काका ससुर जी तो कभी किसी के साथ कर ही नहीं सकते ऐसा। जरूर कोई गलत फहमी हुई है तुझे दीदी। तू अभी बहुत छोटी है बंदिता, बड़ों की सारी बातें तू नहीं समझ सकती। तुझे पता है दीदी, मेरे मन में सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है? कौन सा? यही कि मैं क्या बुलाऊं तुझे, दीदी या सासू माँ या संपूर्णा माँ। तो जाकर देखो रात का खाना तैयार है कि नहीं। तुम जानती थी कि काका संपूर्णा की शादी बिहारी से करवाना चाहते हैं? इतनी जरूरी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई बंदिता? क्या कर रही हो मेरे कमरे में? आप भूल गए, पत्नी हूँ मैं आपकी, शादी हुई है हमारी। शादी नहीं हुई है हमारी, तो मजबूरी थी वो भी। तो क्या मुझे झूठ बोल रही थी तुम? क्या कहानी सुना रही थी अपनी बकवास? तुम्हारे चलते अपने दा को मुझे झूठा कहना पड़ा। दा संपूर्ण सच बोल रही है, गांव वालों ने उसे मारने की कोशिश की थी। पर वो गांव वाले नाम तो आप ही का ले रहे थे। ये बात मैं भूलूंगा नहीं, और हाँ कान खोल कर सुन लो, नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत करता हूं। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है आपको? रुकिए ये लीजिए, तोड़ दीजिए इसे भी, लीजिए। क्या हुआ? बाबू दरवाजा खोलिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। पति बाबू, मैं जानती हूँ कि बहुत गुस्सा है आप मुझसे, पर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया आपसे,
मैं तो बताने वाली थी, पर तभी काका ससुर जी की आवाज आ गई थी ना। पति बाबू, बहुत नाराज है पति बाबू मुझसे, एक बात भी नहीं सुनना चाहते मेरी। मैं रोती थी तो पति बाबू झट से मना लेते थे मुझे। कभी पहले ऐसा किया ही नहीं। आप आपके बेटे की तस्वीर नहीं तोड़ पा रहे हो, उसका दिल कैसे तोड़ोगे? आज क्या हुआ देखा ना, आपके बेटे ने आपको गर्व से गले लगाया। क्या ऐसा कभी हुआ है पहले? इतने गर्व से कभी आपके बेटे ने आपको देखा है? नहीं ना, तो ये सब किसके कारण हुआ? मेरे कारण। और आप मुझे ही पूछ रहे हो कि मैं आपके कमरे में क्यों हूँ, मैंने नीचे ये सब क्यों किया, या फिर आप ये चाहते हो? मुझे जो राज पता है मैं अनिरुद्ध और वंदिता को बता दूं? संपूर्णा दीदी का है, दीदी ढूंढ रही होंगी इसे, अभी लौटा कर आती हूँ। सोच लीजिए, उस रात का राज अगर मैंने अनिरुद्ध और बोंदिता को बता दिया तो आपके बेटे और बहू जिंदगी में आपसे बात नहीं करेंगे, हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ देंगे आपसे। आज जो गले लगा रहे थे, कल आपकी शक्ल तक नहीं देखेंगे। और मेरा क्या है, मेरा कुछ हो ना हो पर आपके सारे रिश्ते आपसे दूर चले जाएंगे, सब आपसे रिश्ता तोड़ देंगे। और ये बात आगे से कभी नहीं बोलेगी, कभी नहीं बोलेगी। ये बात तो मैं आपको कभी नहीं भूलने दूंगी, और इसी बात से मैं जो बोलूंगी आप वही करोगे। नाचेंगे आप मेरे इशारों पर, छोड़िए, दर्द हो रहा है मुझे। अब मुझे दर्द दिया ना तो मैं भी आपको खुश नहीं रहने दूंगी। दीदी, बता दूं राज बोंदिता को? ससुर जी ने गुस्सा किया क्या तुम पर? नहीं बोंदिता, कुर्सी गिर गई थी मुझसे। वो क्या है ना, नए कमरे की आदत नहीं है ना मुझे, धीरे धीरे रहने लगूंगी तो आदत हो जाएगी। ठीक है दीदी, दीदी ये ले।
तेरी चुनर की लटकन। और खाना तैयार है, तू आ जाना दीदी। तो अब जब शादी हो गई है तो मैं चाहती हूँ कि सारे रस्म भी जल्द से जल्द हो जाए और पोहा भात भी हो जाए। कौन सी रस्म? कोई शादी नहीं की है मैंने तुमसे। किसी की मजबूरी का फायदा उठा सकती हो तुम, लेकिन उसके जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती। पर ये तो सिर्फ आपको पता है ना, सबको तो यही पता है कि मैं अब रॉय चौधरीयों की बहू हूँ। और मैं ये चाहती हूँ आज के बाद पूरा तुलसीपुर ये जान ले, कल तक जो मुझे नौकरानी, अपशगुनी और न जाने क्या क्या कहते थे, अब से वो मुझे बड़ी मालकिन बुलाए। बड़ी मालकिन। और कल मेरी मुंह दिखाई की रस्म होना जरूरी है, वरना आपका राज राज नहीं रहेगा। यहाँ बैठे सबके साथ दीदी। सो पति बाबू खाना नहीं लेंगे मेरे हाथों से, गुस्सा है क्या आप मुझसे? मेरी माँ कहती थी मुँह में ठंडा पानी भरो, कुल्ला कर दो गुस्से को। पानी दो आपको? बिहारी चावल। त्रिलोचन काका तो कह रहे थे मेरे विवाह का समय आ गया, पर यहाँ तो खुद विवाह करके आ गए बाबा। नीरू दादा ने तो कही थी है, अब ये हमारी माँ है, पर मैं अपने दोस्तों को कैसे कहूँगा, कैसे बताऊंगा उनको? खाना शुरू करें? नहीं दीदी, काका ससुर जी अभी तक आए नहीं, मैंने बोला है आते ही होंगे। दादा, सबके बीच में एक बात रखना चाहता हूँ कि संपूर्णा अब से इस घर की बहू है। और हाँ, कल शादी के बाद की जो भी रस्में होती हैं वो कल होंगी। तैयारी, सारी तैयारियां कर लेना। जी मैं कैसे? ठीक है बिहारी, तुम रहने दो, मैं किसी और से कह दूंगा। वाह कमाल, हमने सुना था कि शादी के बाद धीरे धीरे आदमी बदल जाता है। शादी की पहली रात के बाद कोई आदमी बदल जाए, ये आज पहली बार देखा। बिनॉय जरा इस रहस्य पर से भी पर्दा हटा दो कि ये अचानक रस्मों, रिवाजों, रीतियों में कहां से विश्वास होने लगा तुम्हें? मतलब ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? एक बात कान खोल कर सुन लो बिनॉय, कोई रस्में नहीं होंगी। नहीं होगा बहु भात। और कौन करेगा रस्में? वैसे भी किसके मन में लड्डू फूट रहे हैं सिवाय इस संपूर्णा के? किसी के नहीं। रस्में होंगी, अपने बाबा और संपूर्णा माँ के विवाह की सारी रस्में मैं करूंगा। और मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। अब अनिरुद्ध, अगर तुमने तय कर ही लिया है हम जो कहेंगे तुम उसका विरोध करोगे, तो फिर
ठीक है, कर लो अपने मन की। वैसे भी अब यहां हमारी जरूरत किसको रही है। सही कहते हैं, एक औरत घर को स्वर्ग बना सकती है तो एक औरत घर को नरक भी बना सकती है। रुकिए काका ससुर जी, खाना तो खा लीजिए। खाने पे गुस्सा नहीं करते, अन्न का अपमान भगवान का अपमान होता है। आपने ही सिखाया था ना मुझे। कोई संपूर्णा माँ को खाना परोसेगा या रॉय चौधरी खानदान की परंपराएं बदल गई हैं? जी पति बाबू, आती हूँ। ऐसे मान सम्मान करना चाहते हम नई दुल्हन का। मैंने शादी कर ली है संपूर्णा से। एक भाई रक्षक और दूसरा भाई भक्षक न होता। एक बात साफ हो गई है कि रूढ़िवादी परंपराओं और रिवाजों को बचाए रखने के लिए आप किसी हद तक गिर सकते हैं, एक विधवा पर हमला भी करवा सकते हैं। काका, आप खुद अपनी माँ की तरह सम्मान दो। अपने बाबा और संपूर्णा माँ के विवाह की सारी रस्में मैं करूँगा। आपने बताया नहीं, काका सुसू जी तो यहाँ बैठे हैं। आपको पता है दुक्का माँ, खाना भी नहीं खाया इन्होंने और बात भी नहीं कर रहे मुझसे। अब क्या करें छोटी सी बोंदता, बताइए दुक्का माँ। खाना खा लीजिए ना काका सुसू जी, मेरी माँ कहती है गुस्सा अपनी जगह है, पर खाने पे से उठना अच्छी बात होती है क्या? अच्छे काका ससुर जी ऐसा करते हैं क्या? खाइए, बात नहीं मानेंगे अपनी बहू की। नीचे खाइए। बहू, हम मानते हैं, हम मानते हैं कि हम चाहते थे कि संपूर्णा की शादी बिहारी से हो जाए, पर हमने किसी को नहीं कहा कि वो संपूर्णा को नदी में धक्का दे दो। तुम्हें भी ऐसा लगता है बहू अनिरुद्ध की तरह कि तुम्हारे काका ससुर इतने दुष्ट हैं जो किसी की जान भी ले सकते हैं? नहीं काका ससुर जी, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप नहीं कर सकते ऐसा। जरूर किसी को कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मेरी संपूर्णा दीदी भी कभी झूठ नहीं बोलेंगी मुझसे। मैं जानती हूँ बहुत अच्छी है मेरी दीदी, और ये भी समझती हूँ कि आपको इस समय सबसे ज्यादा परेशान पति बाबू का गुस्सा कर रहा है ना? पर आप तो जानते हैं ना, एक पल में ज्वालामुखी हो जाता उनका गुस्सा, और दूसरे पल बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है उनका गुस्सा। कैसे कहते हो मुझे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बांधता? बोलो बांधता, जानती नहीं कि सही नहीं है ये, इसलिए भेजा मैंने तुम्हें विद्यालय। ये सीख रही हो तुम? हाँ, और वो भी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं काका? इस दुनिया में सबको बराबरी का अधिकार है, और समाज से इस भेदभाव को मिटा कर ही रहेगा अनिरुद्ध रॉय चौधरी। काका ससुर जी।
चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा और पहले की तरह। और देखना कुछ दिनों में खुद कहेंगे आप कि मेरी संपूर्णा दीदी जैसी अच्छी बहू हो ही नहीं सकती। वैसे ही प्यारी प्यारी बातें कहेंगे दीदी के लिए, जैसे मेरे लिए कहते हैं। काश ऐसा हो सकता बहू, काश वो संपूर्णा तुम्हारी छवि होती। और तजुर्बा है, मैं दुनिया देखी है, फर्क है हमें हीरे की और कंकड़ की। हम देख सकते हैं कि कैसे तुम इस घर के लिए रोशनी हो दिन की और वो रात का काला अंधेरा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.